आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्तों का आगमन हो रहा है। प्रशासन के लिए ओंकारेश्वर की पार्किंग व्यवस्था नौका संचालन चुनौती बनी हुई है। प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता तो स्थानीय नेता वाहनों को नगर प्रवेश के लिए मोबाइल पर वाहन छोड़ने की इच्छा प्रकट करते हैं। बार बार जाम लगने के कारण विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। कुछ लोग सरकारी जमीन पर वाहन खड़े कर रुपए कमाने में लगे होने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ रही है। राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन कार्रवाई करने में आगे नहीं आ रहा, जिससे तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। भगवान ओंकारेश्वर के भरोसे ओंकारेश्वर की व्यवस्था। पंडित अशोक उपाध्याय ने कहा, इन दोनों मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। 25 से 30 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। सर, ज्योतिर्लिंग में शयन आरती का महत्व ज्यादा है। ये चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग है और उसी को देखते हुए कोरोना काल में 2 साल तक बंद रहा तो भीड़ ज्यादा होती बढ़ती जा रही है। हर रोज कम से कम 25-30 हजार आदमी डेली आ रहा है। और जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर पे भस्मा आरती का वो हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ पे ओंकारेश्वर में शयन आरती होती है, इसका महत्व ज़्यादा है। ये प्रदीप गुरु जी जो मिश्रा जी हैं सीहोर वाले, उन्होंने शिव को एकदम जागृत कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे ज्योतिर्लिंगों में भीड़ बढ़ रही है। आपका परिचय? अशोक उपाध्याय, ओंकारेश्वर। मांगा कि मैं दोबारा आना चाहती हूँ। आपको ये स्थान कैसा लगा? बहुत सुंदर और आत्मसंतुष्टि। और क्या आने वाले भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बार बार आए। आपका परिचय? मैं गुरुदेव की शिष्य हूँ, दिल्ली से आई हूँ, सोनिया मेरा नाम है। आएंगे। सर, बहुत अच्छी जगह है, पवन एकदम अच्छी जगह है, इधर आना लायक है। और ओमकार महादेव का दर्शन करके खूब आनंद हुए और हम ऐसे आते रहे, ऐसा महादेव से आशीर्वाद बनाए रखे हमारे पे। गंगा किनारे और नर्मदा के किनारे पे शिव जी का मंदिर है, बहुत अच्छी पावन। और ये 12 शिवलिंग का एक है और 12 शिवलिंग में से एक ओमकारेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आपको मंदिर प्रशासन की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, अच्छी है और अच्छा ही रहे। आपका परिचय? मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे गुरुदेव है मयूर बापू, कल्याणेश्वरी, आई कल्याणेश्वरी मंदिर कल्याण वेस्ट में, ईस्ट में से, तो उनके द्वारा हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसे घुमाते रहे अच्छी अच्छी जगह पर। बस।